नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों बात करते हैं त्रिविक्रम और महेश बाबू की मूवी घटोत्कच की, जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी है। एक हिसाब से इसकी जो स्टोरी को देखा जाए, इमोशंस को देखा जाए, भाई डांस को देखा जाए, क्लाइमेक्स को देखा जाए, हर चीज़ तकरीबन अच्छे से अच्छी है। लेकिन अगर इस मूवी की अगर मैं रेटिंग की बात करना चाहूँ तो भाई मैं इस मूवी को जो रेटिंग देना चाहूँगा वो 3.5 आउट ऑफ 5। क्योंकि इस मूवी में यार काफ़ी सारी चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन इसमें जो कॉमेडी है वो एवरेज है। और जो एक्ट्रेस जैसे कि मीनाक्षी चौधरी है, और इसके अलावा जो है जगपति बाबू है, राहुल है, राव रमेश, या इनको यार इन इनसे यार वो काम डायरेक्टर नहीं ले सके थे जितना वो ले सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार मूवी एवरेज है, अच्छी मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी है। इसमें यार जो एक्शन सीक्वेंस है वो एक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और इसके अलावा जो इनकी जो लुंगी डांस है महेश बाबू की, और इसके अलावा जो श्रीलीला की यार जो परफॉर्मेंस है ना वो आउटस्टैंडिंग है। श्रीलीला और महेश बाबू की जो है केमिस्ट्री एक बहुत ही मस्त देखने को मिलती है। और इसके अलावा यार श्रीलीला की जो डांसिंग है यार, क्या स्टाइल है, क्या डांसिंग है। और ये इनका बहुत ही ग्रेजियस सा लुक दिखाया गया है। और एक हिसाब से यार इन दोनों की अगर ओवरऑल बात करें तो यार एक अच्छी से अच्छी मूवी है। और दूसरी यार इस मूवी में इमोशंस भी है, एक्शंस भी है, एक अच्छी स्टोरी भी है, पॉलिटिक्स भी है, और इसके अलावा रोमांस भी है। मतलब हर चीज इस मूवी में हमें देखने को मिलती है यार। एक हिसाब से यार मूवी तो एक अच्छी है, एवरेज मूवी है, स्टोरी भी अच्छी है, क्लाइमेक्स भी अच्छा है, ओवरऑल हर चीज अच्छी है। लेकिन यार उसमें जो कॉमेडी है, जो फन है, वो भी अपने हिसाब से है, लेकिन वो एवरेज है। उसमें जिस टाइप की जो कॉमेडी है, जिस हिसाब के जो जोक है, वो एक मतलब क्लास के जोक होते हैं ना, वो नहीं है, एक मतलब एवरेज जोक है। बाकी ओवरऑल मूवी की बात करें तो वो एक अच्छी मूवी है, ब्लॉकबस्टर। महेश बाबू की जो एक्टिंग है एकदम मस्त है यार। इतना सा फंटेस्टिक सा चॉकलेटी हीरो लिया हुआ है, लेकिन उससे वो वाला काम नहीं निकलवा सके जो ये निकलवा सकते। लेकिन फिर भी जो है त्रिविक्रम और महेश बाबू का जो है डुओ बहुत ही अच्छा काम आया है। इनकी जो है 70 mm स्क्रीन पे यार एकदम देखने के काबिल है यार। इनकी जो डांस जो है ना, सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है एक एक्शन सीक्वेंस और दूसरी जो डांस यार, इन दोनों की भाई जो एक भाई क्लास की चीज है ये दोनों यार। वो इतने बड़े स्क्रीन पे यार सिनेमा हॉल में देखने का यार एक मजा ही अपना है। बाकी यार अपनी जगह यार मूवी सही है, एक स्टोरी भी अच्छी है यार, एक अच्छी सी पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है, अच्छे ट्विस्ट है, अच्छे टर्न्स हैं, डायलॉग्स भी अपने हिसाब से यार ठीक है, अच्छी है। और ओवरऑल अगर मूवी देखी जाए तो फिर भी यार अच्छी रही है, क्योंकि अच्छी तो होनी है यार। महेश बाबू की मूवी हो उसमें तो यार मतलब ये जो मूवी, अगर सही बात मैं करूँ, ये मूवी जो बिकी है वो महेश बाबू के नाम से ही बिकी है। बहरहाल मूवी बहुत ही अच्छी है, इसकी अगर रेटिंग की बात करूँ तो भाई 3.5 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।